हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका के हवाई हमले में मारे गए ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से नाराज शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका की इस हरकत के खिलाफ बुलंदशहर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका द्वारा इराक में किए गए हवाई हमले को गलत ठहराते हुए इस हमले को अमेरिका की हिमाकत करार दिया। हाथों में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकलते सैकड़ों लोगों की जिस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के साखनी गांव की है। यहां अंजुमन हैदरी की अगुवाई में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विशाल जुलूस निकालते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जहां अमेरिका द्वारा इराक में किए गए हवाई हमले में मरने वाले ईरान के मेजर सुलेमानी की मौत पर दुख व्यक्त किया, तो वहीं अमेरिका की इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। इस जुलूस में शामिल होने वाले शिया समुदाय के लोगों के अमेरिका के खिलाफ तख्तियां और बैनर भी थे। जी, ये हमने जो है आगा कासिम सुलेमानी जो शहीद हुए हैं, अमेरिका की बर्बरियत और उनके जुल्म का शिकार हुए हैं, उनके खिलाफ हमने ये एहतजाज किया है कि हम पूरी अंजुमन हैदरी साक रजिस्टर इस बात पर एहतजाज किया कि ताकि हम ये साबित कर सकें और बताएं लोगों कि यह कौम शिया कौम है, वो कौम है कि जो फ़कत मजलूम का साथ देती है और हक का साथ देती है, और उनकी ये अजीम शहादत जो है वो फ़कत किसी मसला की या किसी मज़हब के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए है कि वाकई हम जो है जिसके दिल में इंसानियत है वो कभी भी जो है वो दहशतगर्द नहीं बन सकता, दहशतगर्द के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और आज जो अमेरिका जो दूसरों को टेररिस्ट कहता था, आज वो खुद दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि वो खुद से बड़ा कोई दहशतगर्द नहीं है, उससे बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं है। और ईरान के साथ वही अफराद हैं कि जो हक पसंद है, जो हक को चाहते हैं और जो ये समझ रहे हैं कि हम टेररिस्ट के सामने, अब ऐसे मसलन आल सऊद है और इसराइल है, ये फकत उनकी सपोर्टिंग के लिए है, वरना जो हक पसंद लोग हैं वो आज भी खुल करके ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं और ईरान के साथ रहेंगे, क्योंकि वो आलम इंसानियत के लिए एक अमन का मुल्क है और वो सकून और आराम और राहत के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। जुलूस का नेतृत्व कर रहे मौलाना मुनव्वर हसन ने कहा कि जालिम अमेरिका ने जो हिमाकत की है वो सिर्फ हिमाकत नहीं बल्कि गुनाह है। ईरानी कमांडर जनरल कासिम को मारकर जो गुनाह अमेरिका ने किया, इसका बदला अमेरिका से जरूर लिया जाना चाहिए, ताकि आगे अमेरिका इस तरह की कायराना हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।